हे गाइस, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। गाइस, मेरा नाम है संदीप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, सी टेट के लिए अनदर वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। सी टेट लेवल 1 के लिए हम यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस पेपर है हमारे पास, यहाँ पे वो हम डिस्कस करेंगे। यह 8 जनवरी 2022 को जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था ऑनलाइन, तो इसमें हम 8 जनवरी 2022 का लेवल 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। आपको पता है कि अब जो पेपर होने वाला है सी टेट का, वह ऑफलाइन रहेगा, तो अपना पेपर अच्छे से देकर के आना। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी सेशन है। देखो, 30 मार्क्स लगाने कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यही एक पोर्शन होता है जो आपको अच्छे से मीन्स समझ भी आ जाएगा, और आप इसमें 30 में से 30 भी लेकर के जाएंगे, और इसी पोर्शन की वजह से आप अपना सी टेट क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे, तो उसी वे से आपने अपने टॉपिक को चूज करना है और अच्छे तरीके से स्टडी करनी है। वैसे भी मैं बता दूंगा आपको, एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपने जस्ट सी टेट लेवल 1 और 2 के लिए कौन कौन से जो टॉपिक रहते हैं CDP में, वो आपने कौन कौन से करने हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं डेवलपमेंटल जो चेंजेस है, ठीक है, तो जो विकास में चेंजेस आते हैं, तो कह रहे हैं कि अकर एट अ यूनिवर्सल पेस इन चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर। तो ये नहीं होता कि जो भी बच्चों में विकास में चेंजेस आ रहे होते हैं, वह बच्चों में जो भी उनकी यूनिवर्सल मीन्स गति होती है, ठीक है, जो सभी संस्कृतियों के बच्चों में, तो उसकी वजह से होते हैं। देखो, यहाँ पे बात आ रही है गति की, स्पीड की। तो मैं बता दूं कि वही स्पीड आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, इसके कारण जो बच्चों में जो विकास की स्पीड है, रेट है, वह क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। मध्यवाल्य काल तक कह रहे हैं बहुत तेज गति से जो विकास है उसमें परिवर्तन होते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। देखो, मैं बता दूं आपको, जो इन्फेंसी पीरियड हो गया हमारे पास, है ना, ये स्टेजेस होती हैं, इन्फेंसी पीरियड और प्री चाइल्डहुड, ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास इसको हम पोस्ट या मिडल चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं। ठीक है, पोस्ट या मिडल चाइल्डहुड, और एक होती है हमारे पास अडल्टहुड। देखो, यहाँ तक जो विकास है वह नहीं रुकता है, लेकिन एक एज तक आकर के मीन्स अगर हम बात करें ओल्ड एज की, तो वहाँ पर आकर के जो विकास का एक पहलू होता है, एक डिमेंशन होता है, जिसको हम बोलते हैं वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि यह कहीं ना कहीं आकर के रुक जाती है, लेकिन विकास नहीं रुकता है। कहने का मतलब है जो वृद्धि है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं आकर के रुक जाता है। ठीक है, तो विकास को नहीं हम रोकेंगे, क्योंकि विकास में ओवरऑल जो डिमेंशन होते हैं, जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, है ना, या हम कह सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल, तो ये नहीं रुकते हैं। इसमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लर्निंग्स होती हैं, वो चलती ही जाती हैं, ठीक है, मृत्यु तक, तो इसलिए हम इसको भी नहीं रखेंगे। कह रहे हैं एक रैखिक तरीके से, तो लीनियर नहीं होता, लीनियर मैनर नहीं होता, और अनडिमेंशंस तो हम इसमें रख ही नहीं सकते, क्योंकि इसके विकास के डिमेंशंस होते हैं। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया कि ये भी हम नहीं लेंगे, तो हमारे पास राइट आंसर रह जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं। देखो, इसमें कह रहे हैं कि वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की, कह रहे हैं, परस्पर क्रिया होती है, यानी कि इनका जो एक जो इंट्रैक्शन रहता है दोनों का, एक तो होता है हमारे पास हेरिडिटी और एक होता है इन्वायरमेंटल, तो इनका जो आपस में मिलजुल के क्या है, विकास को प्रभावित करते हैं ये चीज़ें, और इसीलिए इसमें चेंजेस भी आते जाते हैं, तो इसको हम राइट ऑप्शन रखेंगे। तो देखो, एक तो आपने डेवलपमेंट से रिलेटेड जो अपना टॉपिक है, इसमें डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हो गए, वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्केल। तो ग्रॉस मोटर स्केल की अगर बात करें, देखो, तो ग्रॉस मोटर स्केल में वही जो बॉडी की ओवरऑल एक्टिविटी होती है, ठीक है, बॉडी की ओवरऑल एक्टिविटी शामिल हो जाती है इसमें। जैसे कि अगर मैं बात करूं रनिंग करना, ठीक है, रनिंग करना, तो ये इसमें पूरी बॉडी भाग ले रही है, इसमें पूरी बॉडी की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वॉकिंग करना, ठीक है, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, उठना बैठना हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, यह ग्रॉस मोटर स्केल में आती हैं। तो कह रहे हैं जो एग्जाम्पल है ग्रॉस मोटर स्केल का है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और जबकि जो दूसरे ऑप्शन है वह फाइन मोटर स्केल है। तो फाइन मोटर स्केल में बॉडी की पूरी एक्टिविटी नहीं आती, बॉडी के कुछ अंग हमारे एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट
जो ब्लैंक्स हैं उसमें हम क्या रखेंगे और सेकंड ब्लैंक में हम क्या रखेंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट में हमने ग्रॉस मोटर स्किल के अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे भागना रख सकते हैं फर्स्ट में और सेकंड में ड्राइंग करना रख सकते हैं, तो यह है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि निचोड़ना, ठीक है, निचोड़ना हमारे पास, हम कह सकते हैं कि इसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें हमारे हाथ क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो यह तो फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल हो गया, तो यह हम फर्स्ट ब्लैंक में नहीं रख सकते, और चलना वॉकिंग करना ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल हो गया, है ना, तो यह भी नहीं रख सकते। ऐसे ही पकड़ना, ठीक है, तो यह फाइन मोटर स्किल हो गया, और क्लाइंबिंग करना तो यह किसका हो गया, तो यह तो हमारे पास ग्रॉस मोटर स्किल हो गया, ओके। और आड़ी तिरछी जो भी रेखाएं होती हैं मीन्स स्क्रिबलिंग, तो इसमें फाइन मोटर स्किल होता है ना, और ताली बजाना भी फाइन मोटर स्किल होता है, ठीक है, क्लैपिंग करना भी फाइन मोटर स्किल होता है, तो ये हम नहीं रखते। वैसे भी मैंने ये एग्जाम्पल किसमें आते हैं ये मैंने आपको बता दिए, और जो राइट आंसर हमारे पास रहेगा यह आएगा फर्स्ट ऑप्शन, ओके, इजी क्वेश्चन था। आगे कह रहे हैं, इनमें से कौन सी जो बच्ची है वह मिडल चाइल्डहुड स्टेज में होगी, ठीक है। तो देखो, जो चाइल्डहुड स्टेज है ना, वह दो प्रकार की होती है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। एक तो हम रखते हैं जिसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, ओके। तो एक होता है हमारे पास मिडल चाइल्डहुड। जो पूरी ओवरऑल चाइल्डहुड की बात करें, तो यह 2 से लेकर के 10 या 12 वर्ष तक का टाइम पीरियड इसमें रहता है, और इसकी बात करें तो यह 2 से 6 वर्ष तक का टाइम पीरियड है, और इसकी बात करें यह 6 से 10 या 12 वर्ष का टाइम पीरियड है, ओके। तो हमने मिडल चाइल्डहुड की विशेषता बतानी है, और अगर हम इस टाइम पीरियड को देखें तो प्याजे के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको पता है प्याजे के अकॉर्डिंग जो हमारे पास थर्ड स्टेज होती है, ठीक है, थर्ड स्टेज होती है, इसका नाम है कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज, ओके, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो यह उसकी मींस कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेट करता है यह टाइम पीरियड, तो हमने थर्ड स्टेज की विशेषता भी यहाँ से उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इमिटेशन आ गया है ना, इमिटेशन वर्ड आ गया, जो कि नकल करना होता है, और ज़्यादातर आपको पता है कि जो नकल करते हैं वह शैशवावस्था में ज़्यादातर बच्चे नकल करते हैं, 2 साल की जो अवधि रहती है, टाइम पीरियड रहता है, या हम ये भी कह सकते हैं जो 2 से 6 वर्ष का टाइम पीरियड रहता है, इसमें बच्चे नकल करते हैं, ठीक है। तो यह तो हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता हो सकती है, इन्फेंसी पीरियड की भी विशेषता हो सकती है। अ चाइल्ड हु कैन फॉलो एब्स्ट्रैक्ट, देखो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज नहीं करता बच्चा, यह क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहीं ना कहीं जा करके जब बच्चा 10 या 12 वर्ष के से ऊपर चला जाता है तब करता है, ठीक है। तो अमूर्त विचारों को हम नहीं लेंगे मिडल जो चाइल्डहुड है उसमें, ओके। अ चाइल्ड हु कैन नॉट इंडल्ग इन कॉपरेटिव प्ले, देखो जो कॉपरेटिव प्ले होते हैं, ठीक है, उसमें नहीं, देखो इसमें अब नहीं की बात आ गई है ना, कि नहीं हो सकता कि एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में, अगर मैं बात करूं जो कॉपरेटिव प्ले होते हैं, यह उनके अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता होती है, ठीक है, कॉपरेटिव प्ले, और इसमें बात नहीं की आ गई, तो इसको भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे, और ये भी होता है कि यह मिडल चाइल्डहुड की भी विशेषता होती है, लेकिन इसमें नहीं भी दिया है हमारे पास, है ना, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास फिर राइट आंसर रह जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन को थोड़ा देख लो, देखो फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो इसमें कह रहे हैं एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण, देखो यह कंजर्वेशन जो होता है ना, कंजर्वेशन यह वह विशेषता होती है जिसमें बच्चे क्या होते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये बर्तन है और यहाँ पे एक यह बर्तन है, ठीक है, तो इस बर्तन को थोड़ा हम और लंबा खींच सकते हैं, इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं हम बर्तन को, ये हमारे पास एक ये बर्तन है, ठीक है। अगर बच्चे को इस चीज़ की समझ है कि यह बर्तनों की जो शेप है अलग अलग है, शेप है वह अलग अलग है, ठीक है, लेकिन इसमें जो भी इसकी क्वांटिटी होगी, इसमें जो भी इसकी मात्रा होगी वह सेम होगी, तो मैं कह दूं कि यह दो बर्तन है, दोनों 1 लीटर अब्जॉर्व करते हैं किसी भी लिक्विड को, ओके, 1 लीटर इसमें आता है हमारे पास, 1 लीटर इसमें आता है, ठीक है, तो दोनों में 1 लीटर आता है, और इस चीज को अगर बच्चा समझ ले कि किसी जो बर्तन होता है उसकी शेप चेंज हो जाने पर उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, अगर उनकी क्वांटिटी सेम है, ठीक है, तो अगर वह इस चीज को समझ जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन की विशेषता, कि बच्चों में कंजर्वेशन का गुण आ गया है, और कंजर्वेशन का गुण प्याजे की थर्ड स्टेज में होता है, ठीक है, प्याजे की थर्ड स्टेज में होता है, और मिडल जो चाइल्डहुड है यह प्याजे की थर्ड स्टेज के साथ रिलेट करती है, सो इसका जो राइट आंसर रह जाएगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन रह जाएगा, ओके। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है, चलो हम अपने नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कह रहे हैं असर्शन में दिया है, चिल्ड्रन लर्न वेज ऑफ बिहेविंग ओके एंड वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ लिविंग ओके। तो देखो कहाँ कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वह बिहेव एंड जो वैल्यू है और नॉर्म्स हैं वह अपनी फैमिली में रह करके ही क्या है सीखते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, हम कह सकते हैं कि जो ए असर्शन है वह सही है। कह रहे हैं फैमिली इज सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशल, लेकिन फैमिली है वह सेकेंडरी एजेंसी सॉरी सेकेंडरी एजेंसी नहीं होती, वह प्राइमरी एजेंट में आता है। ओके, यह किस में आता है? प्राइमरी एजेंट में आता है। ये चीज तो फैमिली प्राइमरी एजेंट में आता है, सो रीजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। यानी कि हमारे पास असर्शन तो सही है लेकिन रीजन क्या है? रॉन्ग है। सो असर्शन हमारे पास सही है, रीजन क्या है? रॉन्ग है। सो ये इसका ऑप्शन हम थर्ड चूज करेंगे। ओके, आगे है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। तो हमने पेयर करनी है, देखो जोड़े मैच करने हैं, तो स्टेजेस से रिलेटेड आपने क्वेश्चन को याद रखना है। जो इन्फेंसी पीरियड की बात करें तो यह जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, तो और यह प्याजे की सेंसरी मोटर स्टेज से क्या करती है? मैच करती है। ओके, प्याजे की सेंसरी मोटर से मैच करती है। सो कह रहे हैं लॉजिक, तो लॉजिक तो इसमें बच्चा यूज करता ही नहीं है, फर्स्ट निकाल दो। प्री ऑपरेशनल स्टेज प्याजे की सेकेंड स्टेज है, ठीक है, प्याजे क्यूरी है वह उसकी सेकेंड स्टेज है, उसमें बच्चा डिडक्टिव एंड लॉजिकल थॉट्स नहीं यूज करता है क्योंकि यह प्याजे की फोर्थ स्टेज की विशेषता है। डिडक्टिव एंड लॉजिकल जो थिंकिंग है वह फोर्थ स्टेज की विशेषता है, जिसका नाम है फॉर्मल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज प्याजे की थर्ड स्टेज की विशेषता है और उसमें बच्चा कंजर्वेशन का गुण अपना लेता है। ठीक है, मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया है कि कंजर्वेशन का गुण थर्ड स्टेज में आ जाता है, तो थर्ड स्टेज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जोड़ा जो है वह मैच कर रहा है, तो यही राइट आंसर होगा, लेकिन हम फोर्थ देख लेते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल की बात करें तो जो इमिटेशन है ना, इमेजिनरी प्ले है, यह इन्फेंसी पीरियड की विशेषता है और इन्फेंसी पीरियड में आपको बता चुका हूँ प्याजे की सेंसरी मोटर में आते हैं। ओके, सेंसरी मोटर की विशेषता है, सो ये भी इसमें हम नहीं लेंगे, तो यह इसका राइट आंसर रह जाएगा, तीसरा ऑप्शन। आगे हमारे पास नेक्स्ट है, कह रहे हैं प्याजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो कह रहे हैं प्रोसेस है फॉर सर्च बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज रेफर टू। तो वही जो बच्चों के बीच बच्चों में जो खुद और जो उसका इन्वायरमेंट है उसके बीच वो जो बैलेंस बना रहा होता है, मीन्स चीज़ों को सीख रहा होता है। देखो बच्चा जब पहली बार चीज़ों को देखता है तो उसे वो चीज़ क्या लगती है? सच लगती है। ठीक है, तो जो बच्चा बैलेंस बना रहा होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास इक्विलिब्रेशन। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रेशन। बैलेंस करना किसमें आता है, याद रखोगे आप इक्विलिब्रेशन को। ओके, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो पहले इसको मैं थोड़ा समझा दूं, बैलेंस करना को इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि इसमें हमारे पास आप याद रखोगे दो प्रोसेस आती हैं इक्विलिब्रेशन में, एक तो खुद को बच्चा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है, और या फिर वह क्या होता है जब उसकी नॉलेज कहीं ना कहीं रॉन्ग साबित हो जाती है, रॉन्ग प्रूफ हो जाती है, तो फिर वह क्या है, सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, फिर वह सेटिस्फाई नहीं होता। ओके, या वह सेटिस्फाई होता है या वह सेटिस्फाई नहीं होता। तो जब किसी नॉलेज के प्रति वह सेटिस्फाई है, मीन्स उसने न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लिया है और उसे लगता है इसी न्यू नॉलेज से मैं आगे जा करके सभी प्रॉब्लम्स को हल करूँगा, ठीक है, तो उसको तो बोलते हैं एसिमिलेशन, है ना। लेकिन जब उसे लगता है कि मुझे इस सल्यूशन से किसी प्रॉब्लम को हल करने में कठिनाई आ रही है और कहीं ना कहीं जो मैंने सीखा था वो चीज़ें गलत है, फिर उसमें वह सुधार करता है, तो फिर वो किस प्रोसेस को अपनाता है? अकोमोडेशन को अपनाता है। ओके, मीन्स सुधार करता है तो किसको अपनाता है? अकोमोडेशन को, लेकिन अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पे नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है तो एसिमिलेशन को। तो ये दोनों प्रोसेस को अपना करके वह खुद को क्या करता है? इक्विलिब्रियम करता है। ओके, तो उसी को बोलते हैं बैलेंस करना। आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो वह सेटिस्फाई करता है खुद को, जब वह अनसेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वह क्या है भाई,
अकोमोडेशन की प्रोसेस अपना करके फिर दोबारा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, अपने जो अजम्पशन होते हैं, अपनियाँ जो भी हम कह सकते हैं कि बच्चे की जो गलतियाँ होती हैं या उनकी कुछ ना कुछ किसी चीज़ के प्रति रॉन्ग थिंकिंग होती है, वो उसको दूर करता है, तो फिर वह खुद को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो खुद को सेटिस्फाई जब नहीं होते देखता है तो फिर वह अकोमोडेशन की प्रोसेस अपना करके सेटिस्फाई करता है। तो इसी चीज़ को फिर मीन्स दोनों प्रोसेस को मिला करके वह क्या करता है, खुद की नॉलेज को बैलेंस करता है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ओके, तो इसका राइट आंसर इक्विलिब्रेशन आएगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैब विगोत्स्की के बारे में बात कही गई है। देखो, विगोत्स्की ने नहीं कहा था कि बच्चा क्या होता है, ब्लैंक स्लेट होता है, ये किसने कहा था, यह जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चा क्या है, एक पूरी स्लेट के समान है। उसने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था जिसका नाम था टेबुला रासा। ओके, इसका मतलब होता है पूरी स्लेट, ठीक है, या ब्लैक स्लेट। ओके, तो ये तो निकल गया, विगोत्स्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन थिंक क्वांटिटेटिवली, तो ऐसा भी नहीं उसने यूज किया था कि बच्चे क्या हैं कि वही क्वांटिटेटिवली सोचते हैं, ठीक है, लेकिन जो अडल्ट सोचते हैं उसके उससे थोड़ा कम, ठीक है, मात्रात्मक रूप से वो क्या है, बड़ों से कम सोचते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। विगोत्स्की हैज़ ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट द कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो उसने इस चीज़ को भी नहीं प्रमोट किया था कि जो बच्चों की कैपेसिटी होती है उसको क्या है, अंडर एस्टिमेट किया जाना चाहिए लेकिन कम मात्रा में, तो ऐसी भी बात उसने नहीं ली थी। सो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रह जाएगा। फर्स्ट में कह रहे हैं भाई कि विगोत्स्की सुजेस्ट दैट चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बच्चों के पास सीखने की क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा क्षमताएं होती हैं कि वो किसी कार्य को कर सकते हैं, ठीक है, किसी कार्य को कर सकते हैं, लेकिन फिर वह उस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब उसे सपोर्ट मिलती है, ठीक है। मीन्स अब यही चीज़ उसने कही थी कि बच्चे किसी एक क्षमता तक किसी कार्य को कर सकते हैं, लेकिन अपने विकास तक पहुंचने के लिए, ठीक है, अपने विकास तक पहुंचने के लिए फिर वह दूसरे की सहायता लेते हैं, ठीक है, और जहाँ यहाँ तक वह पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं, तो फिर जब चाहे वे बच्चे यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। तो अब बच्चा इतना काम खुद कर सकता था, किसी की सहायता से वह अब इतना काम करने लग गया, और ये यहाँ पे उसने जो विकास का डिस्टेंस था उसको क्या कर लिया, कम कर लिया, ठीक है, उसको क्या कर दिया, कम कर लिया, उसको डिक्रीज कर लिया। ओके, तो यही चीज़ विगोत्स्की ने कही थी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक टीचर किसी जो संरचना है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करती है कि वह बच्ची किसी बच्चे को जो जीक्सा पहेली बनाने में मदद कर रही है, यानी कि जो टीचर है वह किस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रही है ऑप्शन में से, कि वह किसी चीज़ को किसी भी एक्टिविटी के लिए बच्चों को हेल्प कर रही है। ओके, तो जब टीचर सपोर्ट करता है तो वह एक तरीके से स्कैफोल्डिंग होती है जी, जब टीचर बच्चों की सपोर्ट कर रहा होता है ताकि वह किसी एक्टिविटी को क्या कर ले, बच्चा सॉल्व कर ले, तो वह क्या होती है, स्कैफोल्डिंग होती है। तो यहाँ पे देखो किसी जिग्सा पजल है उसको सॉल्व करने के लिए वह हिंट्स और क्यूज दे रही है, ठीक है, जो एक अध्यापिका है। तो इसका राइट आंसर आएगा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि ZPD में आता है, और ZPD किसने दिया था, विगोत्स्की ने दिया था, और विगोत्स्की को हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं, और इसने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी। ओके, तो ये आप याद रखोगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, देखो असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड फॉलो आ, देखो ये नहीं होता कि कठोर स्ट्रक्चर जो करिकुलम है उसका वह यूज करते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर कभी नहीं हमने लेनी है, तो असर्शन ही हमारे पास यहाँ पे गलत हो गया। कह रहे हैं चाइल्ड लर्न्स बेस्ट व्हेन द टीचर इज डिडक्टिक एंड, तो ऐसा भी नहीं है कि जब बच्चा टीचर कंट्रोल, जब किसी बच्चे को टीचर ही कंट्रोल करेगा अपने हिसाब से तो वह अच्छे तरीके से सीखेंगे, तो रीजन भी हमारे पास गलत हो गया, तो दोनों गलत है। इसका राइट आंसर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड एज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम का गुण बताना है हमने, टीचर
टीचर कंप्लीटली कंट्रोल द क्लास, तो ये नहीं होता। कह रहे हैं पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इज मिनिमल नहीं होती, चिल्ड्रन आर असेस्ड व्हेन दे डोंट। हाँ, ये हो सकता है कि बच्चों को असेस किया जाता है जब वह किसी टास्क या एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जब वह किसी टास्क या एक्टिविटी को करते हैं, तो ये सही है। टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आर फिक्स, तो ये भी नहीं है। ओके, कह रहे हैं अमित रीजन दैट वी कैन चेंज लॉ इफ दे डू नॉट मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, बट इट शुड बी डन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट, ओके एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो कह रहे हैं जो अमित है वह यह रीजन देता है कि अगर कोई कानून को चेंज करना है, यदि वह कानून जो हमारे नीड्स होते हैं, हमारी मीन्स कहीं ना कहीं जरूरतें होती हैं, तो वह पूरा नहीं करता अगर कोई जो लॉ होता है, ठीक है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें चाहिए किसकी, म्यूचुअल एग्रीमेंट चाहिए या डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहिए, ठीक है, तो उसके द्वारा हम यह कह सकते हैं कि सोसाइटी के नियमों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो मॉरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट, तो इसमें कौन सी स्टेजेस आएगी। देखो, जो फिफ्थ स्टेज होती है ना, फिफ्थ स्टेज जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें बच्चे की अब यह थिंकिंग हो जाती है जो समाज के नियम है, जो समाज के नियम है, उसको हम समाज की सहमति से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह इसका राइट आंसर आएगा। जो सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन है, इसमें बच्चा समाज के नियमों को बिना ये सोच के मानता है कि भाई इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं या नहीं, तो जस्ट वह क्या है कि समाज में अपना मीन्स एक हम कह सकते हैं वजूद बनाने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए समाज के ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, तो वह सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन में चला जाता है। यूनिवर्सल एथिकल जो कि लास्ट स्टेज है, जिसको हम सिक्स्थ स्टेज बोलेंगे, ठीक है, तो इसमें बच्चा अगर उसका कॉन्शियस बोलता है कि हमें समाज की सहमति की भी जरूरत नहीं है और हम किसी भी नियम को चेंज कर सकते हैं जो हमें गलत लगता है, तो इसमें अगर बच्चा यह सोचने की के लिए कैपेबल हो जाता है, तो फिर वह यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स या ओरिएंटेशन में चला जाता है। ठीक है, फिर वह इस स्टेज में चला जाता है, लेकिन कोलबर्ग के अकॉर्डिंग इस स्टेज में बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। ठीक है, अपना जो जीवन है वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट तक ही सीमित रखते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, ये कोलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। हवार्ड गार्डनर के सिद्धांत में कह रहे हैं कौन सी जो इंटेलिजेंसी है वह व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में क्या है समझ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही बारे में जो एक समझ होती है, जो एक पहचान होती है, वह समाज में किस लिए आया है, ठीक है, तो इस चीज के बारे में अगर उसे पूरा ज्ञान हो जाता है तो वह क्या है। ठीक है, तो वह कौन सी बुद्धि है, वह नेचुरलिस्टिक है, लिंग्विस्टिक है, या इंटरपर्सनल है, या इंट्रा पर्सनल है। सो इसका जो हमारे पास राइट आंसर आएगा जी, वो आएगा इंट्रा पर्सनल। ठीक है, ये याद रखोगे, इंट्रा पर्सनल में जो होता है स्वयं के बारे में जो भी ज्ञान, नॉलेज, पहचान, ये चीज़ें शामिल है, लेकिन इंटरपर्सनल में याद रखोगे दूसरों को समझना। तो यह तो देखो इंटेलिजेंस होती है इंटरपर्सनल की, एक टीचर में हो सकती है, एक साइकोलॉजिस्ट में हो सकती है, एक डॉक्टर में हो सकती है। ठीक है, और अगर लिंग्विस्टिक की बात करें, यह इंटेलिजेंसी, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो जो भाषण देने वाले लोग होते हैं, जो दूसरों को इजीली अपनी बातों में क्या लेते हैं, मीन्स अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस कर लेते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है, वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। नेचुरलिस्टिक लोग होते हैं जो कि जैसे कि नेचर द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि नदियाँ, झीलें, पहाड़, पर्वत, इनको समझना, तो जैसे कि कुछ लोग घूमने जाते हैं पहाड़ों पर, है ना, तो वो वहीं पर रहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा क्या है, नॉलेज रखना, जीव जंतुओं के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखना, तो यह क्या है, नेचुरलिस्टिक होते हैं। सो जो इस फील्ड से जुड़े होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जहाँ जो जैसे कि मैं बात करूँ नेचर की बनाई गई चीज़ें होती हैं, है ना, तो उसके प्रति सेंसिटिव होते हैं वो नेचुरलिस्ट। ठीक है, इंट्रापर्सनल में अगर एग्जांपल की बात करूं, तो इसमें जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हुए हैं, जैसे कि श्री गुरु नानक देव जी की मैं बात कर दूं, है ना, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, श्री गुरु नानक देव जी ने ज्ञान प्राप्त किया था, या मैं बात कर दूं महात्मा बुद्ध की, है ना, उन्होंने भी खुद की पहचान की थी। ठीक है, तो कुछ ऐसे मीन्स जो महात्मा सिद्ध हुए हैं, जिनको हमें लगा है कि ये कहीं ना कहीं अपने बारे में इनको अच्छे तरीके से ज्ञान हो गया, ठीक है, तो ये क्या है मीन्स इंट्रापर्सनल में आते हैं। ठीक है, तो जो संत महात्मा होते हैं, ठीक है, ऋषि मुनि होते हैं, वह इंट्रापर्सनल में आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्वयं को भी पहचानना चाहिए कि भाई वह क्या है। ओके,
आगे है जी, अ 5 ईयर ओल्ड गर्ल अटर्स, ठीक है, दिस इज नॉट फॉर मी, गर्ल्स डू नॉट प्ले विद कार्स ऑन गेटिंग अ कार एज अ गिफ्ट, दिस इज एन इंडिकेशन, देख ठीक है। कह रहे हैं कि एक गिफ्ट मिला है लड़की को, लेकिन उस गिफ्ट में उसे मिल गई है कार, तो वह ये कह रही है कि भई यह कार मेरे लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो लड़कियां हैं वह कार से नहीं खेलती, ठीक है, जो कार का गिफ्ट है, खिलौना है, उससे नहीं खेलती, तो वही यह किसको रिफ्लेक्स करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यह जो उसका वाक्य है। तो देखो, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी में यह नहीं आएगा, जेंडर लेवेंस में नहीं आएगा, यह जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है यह वाक्य, क्योंकि अब उसे इस चीज़ के बारे में मीन्स कहीं ना कहीं समाज से या कैसे भी उसको यह सीख मिल गई है कि भाई लड़कियां नहीं कार से खेलती हैं, लड़कियां या जैसे कि डॉल से खेलती हैं और लड़के कार वगैरह से खेलती हैं, है ना। तो यह उसके बारे में जो उसके दिमाग में जो यह थिंकिंग चली चल गई है वह क्या है, एक स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग है, जिसको हम बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। ओके, आगे है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू कैटर टू कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेज इन द क्लास, ठीक है, जो कल्चर और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेज होते हैं क्लास में, उसको मीन्स कैटर करने के लिए आप कौन सी पॉलिसी बनाओगे, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करोगे। तो कह रहे हैं फॉलो स्टैंड, देखो यहाँ पे रिजिड सॉरी करिकुलम आ गया, तो ये तो निकाल दो। अडॉप्ट द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हमने नहीं देनी है। प्रमोट कम्पिटिटिव, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कंपटीशन की बात आ जाए निकाल दो। रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस आर नॉट डिफेक्ट, ठीक है, तो ये हो सकता है कि वही जो भी विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है, उसको एक डिफेक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करना, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं करना कि कहीं ये सोच लो कि भाई एक बच्चा दूसरों से भिन्न है तो उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो ये स्ट्रैटर्जी अच्छी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास फोर्थ चला जाएगा। आगे है जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 की, तो वह क्या सुजेस्ट करती है, मस्ट बी अंडरटेकन थ्रू फॉर्मल एग्जाम टेकन वंस इन, ओके तो ये नहीं आएगा, इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट द चाइल्ड प्रोग्रेस ओवर आ सर्ट, तो ये हो सकता है कि जो भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, उस पीरियड ऑफ टाइम में बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है, इसको क्या करना, फाइंड करना, तो ये सही है। मस्ट बी द सेंटर ऑफ आर्ट, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, इज इम्पोर्टेंट टू असाइन रैंक, तो ये भी नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो एबिलिटी बेस्ड, तो यहाँ पे रिजिड वर्ड आ गया, निकाल दो। कंसीडरेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ, तो ये हो सकता है कि भाई इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसको एक तरीके से हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसको उस पर ध्यान दे रहे हैं, ओके, तो ये हो सकता है। ओनली वाला निकाल दो, ओनली वोकेशनल एजुकेशन से साथ नहीं जुड़ा है यह। स्टीरियोटाइपिंग ऑफ स्टूडेंट, तो ये भी नहीं है, ओके, तो इसका राइट आंसर हमारे पास सेकेंड चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन इन सॉरी आइडेंटिफाई, ओके, डिस्लेक्सिया से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, राइटिंग बी एस डी और ओके, यानी कि बी को आप जब डी लिखोगे या बच्चा, और 21 को वह 12 लिख देता है, ठीक है, तो देखो जो राइटिंग है वह किसके साथ जुड़ी है, कहीं ना कहीं रीडिंग के साथ जुड़ी है ना। अगर टीचर ने बोर्ड पर डी लिख दिया और बच्चे ने उस चीज़ को देख करके किताब पर डी लिख दिया, कॉपी पर डी लिख दिया, है ना, नोट, टीचर ने डी लिखा था, बच्चे ने नोट कर लिया डी, मतलब कि उसके माइंड में अब शेप किसकी बनी है, शेप बन गई डी की, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब बच्चे के माइंड में मिरर शेप, ओके, मिरर शेप अक्षर बन जाते हैं, तो वह डिसलेक्सिया से रिलेटेड होता है, तो लो अटेंशन स्पेन नहीं आएगा, फ्रिक्वेंट मूड्स भी नहीं आएगा, अब्यूजिव बिहेवियर भी नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास फर्स्ट, ओके। स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म कैन बी आइडेंटिफाई बाई, तो ऑटिज्म जिसको होता है तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, देखो ऑटिज्म को हिंदी में बोलते हैं सबलीनता, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दिया है सबलीनता बोलते हैं, तो इसमें जो बच्चा होता है वह कम्युनिकेशन नहीं कर पाता अच्छे तरीके से, बस आप ये याद रखोगे कि कम्युनिकेशन करने में क्या होती है, कठिनाई होती है, ठीक है, तो इसलिए इसका आएगा फर्स्ट। आगे कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी हेल्पफुल इन इंक्रीज, ओके, स्टूडेंट विद डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंस, ठीक है, जो डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंस वाले बच्चे होते हैं इनके लिए आप कौन सी एक जो मीन्स विद्यार्थियों के लिए कौन सी प्राथमिकता आप शामिल करोगे, ठीक है, डाउनलोड लेवेंस प्ले, तो ये इसका हो सकता है कि भाई ऐसे टास्क बच्चों को प्रोवाइड करना जो उनके लिए मीन्स उनसे रिलेटेड हों,
ठीक है, जहाँ उस टास्क की कोई ना कोई वैल्यू हो। ठीक है, मिनिमाइज वर्ड आ गया, रिड्यूस वर्ड आ गया, रेस्ट्रिक्ट वर्ड आ गया, तो यहीं से ये ऑप्शन निकल जाएंगे। ओके, राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट रह जाएगा। स्टूडेंट लर्न थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिव बाय एक्टिवली इंगेज्ड इन डिस्कशन इन ए क्लास। ओके, तो कह रहे हैं किस सिद्धांत पर जो आधारित है, कक्षा कक्षा में जब बच्चे स्वयं पहल करके या चर्चा में सक्रिय। तो आपको पता है कि जब बच्चे खुद किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वह कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है, और यह है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, क्योंकि इसमें चर्चा शामिल हो रही है और डिस्कशन मेथड सोसाइटी होगी तो ही डिस्कस करेंगे ना। ओके, तो राइट आंसर हमारे पास 3 है। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है? देखो, मीनिंगफुल लर्निंग में जब किसी चीज़ की लर्निंग बच्चों को करवाते हैं और उसका एक पर्पज़ होता है, और उस पर्पज़ को जब पूरा कर लिया जाता है कि जिस पर्पज़ से हमने उसको लर्निंग करवाई है, वह बच्चे ने उस चीज़ को सीख लिया है, ठीक है, तो वो फिर मीनिंगफुल लर्निंग में चला जाता है। ठीक है, इस प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, तो ऐसा हाँ हो सकता है नहीं। देखो, कह रहे हैं इस प्राइमरी रिप्रोडक्शन यानी कि मुख्य रूप से नॉलेज को ज्यों का त्यों ही, तो ये नहीं है। अगर वैन कंटेंट इज ओके डी कंटेक्चुलाइज्ड आ गया, अगर कंटेक्चुलाइज्ड होता फिर हम इसको चूज कर सकते थे, काट दो। टेक्स प्लेस वैन टीचर एक्टिवली कंट्रोल्स, तो ऐसा भी नहीं है कि टीचर कंट्रोल करे स्टूडेंट को, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, हाँ ये हो सकता है कि वही जो एक मीनिंगफुल लर्निंग तब होगी जब बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग की या क्रिटिकल थिंकिंग की या प्रोसेस ऑफ एनालाइज में इन्वॉल्व किया जाए। ओके, तो इसका 4th सही है। कह रहे हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वह किसकी नहीं करती वकालत? ठीक है, किस चीज़ को नहीं मानती? तो संरचनात्मक समझ पर जोर, तो इस पर तो जोर देती है, इसकी वकालत तो वह करती है। समेटिव असेसमेंट, इसकी वकालत वह नहीं करती, इसकी भी नहीं करती कि करिकुलम को इंक्रीज करें, और इसकी भी नहीं करती। तो हमने नहीं करने वाला ही चूज करना है, तो ये तीनों आ जाएंगे, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये इसका राइट आंसर है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ रिस्पॉन्स एंड गोल ओरिएंटेशन से आया है क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है वह प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिन्यास का सही मिलाप है? ओके, देखो, डूइंग वर्कशीट टू इम्प्रूव वंस कंपिटिशन डोमेन ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ओके, तो ये हो सकता है। देखो, अप्रोच ओरिएंटेड, ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं, जब बच्चा जिस चीज़ को हासिल करना चाहता है वह अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी में चला जाता है। ओके, इसको बच्चा अब हम कह सकते हैं कि हासिल करना चाहता है कि किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए कोई ना कोई कार्यपत्र करना, तो इस चीज़ यह बच्चे की अप्रोच है। ओके, कि वह इस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, तो यह जोड़ा सही है। आगे कह रहे हैं नगद पुरस्कार जीतने के लिए, तो नगद पुरस्कार जीतने के लिए भी एक कहीं ना कहीं अप्रोच ओरिएंटेड में ही आएगी, लेकिन यह उसको किस में डाल दिया उन्होंने, अवॉइडेंस में डाल दिया। देखो, पुरस्कार प्राप्त करना है, तो उसको हमने अवॉइड थोड़ी करना है। ओके, तो ये इसका निकल जाएगा। टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास फॉर सब्जेक्ट टू अचीव फर्स्ट रैंक, तो इसमें भी अवॉइडेंस आ गया। ओके, तो इसको भी काट दो। वर्किंग हार्ड फॉर नॉट गेटिंग आउट परफॉर्म्ड बाई अदर, अप्रोच ओरिएंटेड, तो यहाँ पे देखो, दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना। ठीक है, तो प्रदर्शन की दिशा में कह रहे हैं उन्मुख लक्ष्य, तो अप्रोच ओरिएंटेड गोल में होता है कि उस चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं, तो इससे बेटर कहीं ना कहीं हमारे पास ये है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो हमारे पास फर्स्ट आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग अ टीचर शुड, स्टूडेंट्स की लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? इंड्यूस द फियर, तो ऐसा भी नहीं है, फियर इंड्यूस करना, स्ट्रेस भी नहीं देनी है, इनकरेज पैसिव लर्निंग को इनकरेज नहीं करना है, ये सही है। इनेबल लिंकेज विद व्हाट द चिल्ड्रन, और तो उसका जो पहले से ज्ञान है तो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ठीक है, नई चीज़ों को, तो ये इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करें, तो देखो, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग वगैरह नहीं आती है। क्रिएट सर्कमस्टेंसेज वेयर मिसकंसेप्शन आर नॉट अलाउड टू बी, तो ऐसा भी नहीं है कि ऐसी परिस्थिति बनाना, यहाँ पे कह रहे हैं जो वो गलत धारणाएं व्यक्त कर रहा है उस वह क्या हो, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो ये भी नहीं है। गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, तो ये हो सकता है कि उसकी जो भी मिसकंसेप्शन हैं उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स एक्सपेरिमेंट करवाना और ऑब्जर्वेशन करवाना या उसके मौके देना, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इग्नोर वाला हमने नहीं लेना है। आगे है जी, निम्नलिखित में से किस बच्चे के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायता मिलती है? तो कंपटीशन को, तो इसका राइट आंसर आएगा डिस्कशन एंड डायलॉग। ठीक है, डिस्कशन एंड डायलॉग करेगा तो हम उसको संरचनात्मक समझ जो उसकी है वो कहीं ना कहीं बेटर होगी। जो कह रहे हैं इफेक्टिव लर्निंग के लिए एक टीचर को
जो बच्चों में दैश को एक्टिव करना चाहिए किसको, ठीक है, तो कह रहे हैं क्षमता कुछ ऐसा नहीं है, क्षमता कुछ क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा तो ये हो सकता है कि जो भी उसकी मीन्स बच्चे में एबिलिटी होती है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट मिले, ओके, तो ये इसका निकल जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यावी प्रेरणा का उदाहरण है, दंड से बचने के लिए ये नहीं है, ज्ञान प्राप्त के लिए किसमें करना, डिस्कशन में शामिल होना, तो ये हो सकता है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण हो सकता है। देखो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, हमने नहीं है वाला चूज करना है, तो नहीं है वाला मीन्स हमने आंतरिक अभिप्रेरणा का चूज करना है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, तो यह तो बाह्य अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है, ओके और प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है क्योंकि वह प्रतियोगिता को जीतना चाहता है, इसमें वह स्वयं में कहीं ना कहीं कोई विकास करना चाहता है, जैसे कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, ओके, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा नहीं के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे है डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है, ओके, तो इसमें हम कह सकते हैं अगर सोशल कोलैबोरेशन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होने की संभावना होगी, तो सामाजिक बहिष्कार नहीं लेना है, ठीक है। देखो हमने चाइल्ड सेंटर्ड जो पैडागोजी है वो ले सकते थे, लेकिन इसमें कमी आ गई है ना, कमी वाला हमने इसलिए इसको छोड़ दिया, और इसमें भी कमी आ गई, इसको भी छोड़ दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आगे मैं एक आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट करने हैं अपने सी टेट के लिए, ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना और वो कॉन्सेप्ट करके जाना, आपने अच्छे से जो 30 मार्क्स है वो गेन कर लेने हैं अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर दोगे, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.